मड़िचो खटे ताटुर का आज चार धाम आए देन, मड़ राम आए देन अम्मा सीता नाल आए देन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनु मान आए देन, बजाओ टोल स्वागत बीच मणिकार राम आए देन। शुक्रिया। मेरा नाम सईदा बतूल जहरा है और मैं उड़ी बारामूला से हूँ। तो अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीए फर्स्ट ईयर। तो जैसा मैंने अपनी एक पहाड़ी लैंग्वेज में राम भजन गाया, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। उसकी बोल कुछ इस तरह है, मड़िचो खटता टुरका आज चार धाम आए देन, मड़ राम आए देन अम्मा सीता नाल आए देन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनु मान आए देन, बजाओ टोल स्वागत बीच मणिकार राम आए देन। तो ये भजन मैंने क्यों कैसे मेरे माइंड में ये आइडिया आया, मैंने यूट्यूब पे जुबीन नौटियाल का एक हिंदी भजन सुना, राम मंदिर पे था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये कहा कि ऐसे भी लोग बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ में बहुत पीछे हैं, लेकिन मैं उनको रॉन्ग प्रूफ करना चाहती थी। तो मैंने कहा कि हमारा भी राम मंदिर में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे एलजी साहब हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की पूरी सोच बदल दी, पूरा जम्मू कश्मीर बदल दिया, पूरा जम्मू कश्मीर अब स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और जो मैं सैयद कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो जो हमारे जो बड़े हैं हमें उन्होंने हमें ये सिखाया है, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनका ये फरमान है कि जो जो एक इंसान है उसे अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। तो मैं इंडियन हूँ, इसीलिए मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, इंडिया के लोगों से मोहब्बत है। मेरी फैमिली जो मेरे पापा हैं वो पहाड़ी सिंगर हैं, आरिफ काजमी नाम है उनका। तो हम तीन बहनें हैं, हमें कोई भाई नहीं है, पर लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं कहा कि तुम बेटी हो तुम घर से बाहर नहीं निकलो। मैं अपने पापा के साथ पूरा इंडिया घूम के आई हूँ, और शायद ही बारामूला में कोई ऐसी लड़की है जो पूरा इंडिया देख के आई हो। तो मैं बहुत सारी जगह पे अपने पापा के वजह से गई, तो थैंक्स टू माय पेरेंट जिनकी वजह से अभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये भजन गाने का शौक आपको पहले से ही था या बाद में? मैं सिंगिंग करती थी, पर मेरे माइंड में अचानक ये कंसेप्ट आया कि राम मंदिर बनने जा रहे हैं, तो उस पर मैं भी कुछ मेरा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मैंने अपनी इसी वजह से अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में ये गाना लिखा और मैंने उसे रिकॉर्ड किया और पोस्ट किया। कितने टाइम में ये लिखा आपने? तो मैंने शायद ये 10-15 मिनट में मैंने इसको लिखा अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में, और मैंने कोई बड़ा स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं किया, एक सिंपल से फ़ोन पे किया, अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड किया। तो एक दो दिन पहले मैं अचानक अपने रूम में बैठी हुई थी, तो मेरे पास मैंने ये यूट्यूब लगाया, तो उस पर मैंने देखा जुबीन नौटियाल ने एक भजन गाया है बहुत अच्छा, मेरी चौखट पर। तो मेरे माइंड में ये थॉट आया कि क्यों ना मैं इसे पहाड़ी लैंग्वेज में गा कर देखती हूँ। तो मैंने गाया, पहले मैंने उसको पहाड़ी में लिखा, थोड़े 5-10 मिनट लगे मुझे, ज़्यादा भी नहीं लगे। तो मैंने उसे फिर रिकॉर्ड किया, तो जो कश्मीर हेड में जिनके साथ काम करती हूँ उन्होंने इस मेरे वीडियो को पोस्ट किया, तो बहुत ज़्यादा तब से वायरल हो गया मेरा वो वाला वीडियो। जी, तो लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया उस पर क्या कहेंगे? तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि फर्स्टली थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे इस चीज़ के अलो किया कि बेटा तुम घर से निकलो, तुम अपने शौक पूरे करो। मुझे था जर्नलिज्म के लिए कि मैं इसी वजह से मैं कश्मीर हेड से काम कर रही हूँ। मेरे माइंड में ये था कि मैं एंकरिंग स्टार्ट करूँ, मेरा एक खुद का चैनल हो, अच्छा खासा चैनल हो, तो मैं कश्मीर हेड से जुड़ गई और उनकी वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ। तो ये बताइए कि आगे जो मतलब लाइफ है, वो तो आपने बताया जर्नलिज्म आप फॉलो करना चाहती है, तो मैसेज क्या देना चाहती हैं आप इस राम भजन को गाकर पहाड़ी लैंग्वेज में? मेरी ये मैसेज है सब हिंदुस्तानियों के लिए, सब कश्मीरियों के लिए, कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है। हम जितना एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे ना, उतनी हमारी कंट्री जो वो स्ट्रांग हो जाएगी। हमें ये नहीं करना है ये हिंदू है इसके साथ हम बात नहीं कर रहे हैं, ये मुस्लिम है। तो जैसे एलजी साहब ने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि हम कश्मीरी लोगों के लिए इतनी उनको प्रायोरिटी क्यों दें, इतनी उनके लिए फैसिलिटीज़ क्यों रखें। तो हमारा भी फ़र्ज़ है उनकी इज्जत करना, राम मंदिर की इज्जत करना। जैसे मैंने भजन गाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मुझे इतनी इज्जत मिल जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मड़िचो खटता टुरका आज चार धाम आए देन, मड़ राम आए देन अम्मा सीता नाल आए देन,
प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनु मनाए दिन बजाओ टोल स्वागत बीच मणिकार राम आए दिन। शुक्रिया।